लेने आए हुए हैं आज तो देखो भाग कैसे भाग जा रहा है। तो अभी हम लोग पिकनिक की तैयारी कर रहे हैं और पहुंचे नहीं है, यहाँ पे पानी लेने आए हुए थे तो पानी हम लोगों ने ले लिया, 2 ड्रम पानी है, पानी का केन जो आता है वो। तो फाइनली पैकिंग वैकिंग हो चुकी है और हम लोग ये हम लोगों का सामान रखा चुका है। अब ये मैं हूँ, मेरे राजा भैया, ये हमारी गाड़ी है। तो अब हम लोग चलेंगे अपने जगह पे। हे गाइस, आप लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। मैं हूं अशर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अशर के आशियाने में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे बहुत सारे लोग हैं। तो आज कौन सा दिन है? आज 1 जनवरी है। तो आज 1 जनवरी है, साल का पहला दिन है, तो बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग पहले ही समझदार हैं, काफ़ी समझदार हैं, तो जानते ही हैं 1 जनवरी को पहला दिन है और सब क्या क्या प्लानिंग होता है। तो उसी तरह आज हमारा भी प्लानिंग है। आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं पार्टी करने। कहाँ जा रहे हैं हम लोग पिकनिक के लिए? हम लोग जा रहे हैं पेट्रोल पंप के पास, माधोपट्टी। बैंकॉक जा रहे हैं। बैंकॉक तो फिलहाल नहीं जा रहे हैं, लेकिन बैंकॉक के जैसा बहुआरा के बॉर्डर पर जा रहे हैं। मोहम्मदपुर और बहुआरा का जो बॉर्डर है हम लोग वहाँ जा रहे हैं। तो ये वही आम का गार्डन है, आम के ट्री है चारों साइड और हम लोग का यही लोकेशन है। हम लोगों का चाय बन चुका है, लेकिन चाय का बर्तन को पकड़ने के लिए कोई कपड़ा नहीं है, इसलिए सद्दाम भाई के गमछा को शहीद किया जा रहा है, 2 भागों में फाड़ा जा रहा है क्योंकि चाय की कितली को उठाया जा सके। अब उसको वाह, चाय की जगह आप दारू बोल रहे हैं। ये स्पेशल चाय है, ये कौन चाय है भाई? बनारसी चाय है, लोकल चाय है, लोकल। आप ये देखिए, ये हमारे दारिस वाले बनाने वाला बेंगलुरु से आया वहाँ भाई। जैसा आप देख ही पा रहे हैं हम लोगों का अभी बनना स्टार्ट हो चुका है। अभी बिरयानी के लिए मटन की तैयारी हो रही है और गैस के ऊपर रखा हुआ है। हम लोग भी अभी सब लोग साथ में ही खड़े हुए हैं और अभी टाइम यहाँ लगने वाला है, 2 से 3 घंटा तो लगेगा अभी सब कुछ होने में। तो ये दानिश जो है अभी गोश्त को देख रहा है कहाँ तक पहुँचा, ये अभी कितना गला है, कितना कहा दानिश, कितना गला? अभी टाइम लगेगा, अभी टाइम लगेगा, जैसा कि मैंने बताया था अभी टाइम लगने वाला है क्योंकि अभी बिरयानी का गोश्त ही रेडी हो रहा है। तो उसके बाद फिर चावल होगा, फिर मिक्स होगा, यानी कि काफ़ी टाइम लगने वाला है यहाँ पे। तो लगभग अभी 2 से 3 घंटे यहाँ पे लगेंगे। तो यहाँ पे
आप देख रहे हैं ये सारे लोग हैं, तो मैं एक साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसे तो आप जानते ही होंगे, ये है दानिश खान, इससे पहले भी हमारे वीडियो में आ चुके हैं। एक ड्राइवर है तो मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। ये है राजा भाई, अपना अपना नाम बताओ। राजा, दानिश, आसिफ, आसिफ दुलारे भैया, मुखिया है जी, मुखिया जी है ये, जुल्हा मटका अंसारी भाई, अंसारी भाई, अंसारी भाई, ये हमारे मोटे भाई, हाफिज साहब, समरुल, समरुल जो अभी चावल की धोने की तैयारी में है, और हमारे मेन जो बावर्ची हैं, जो मेन मास्टर है किचन के, उनसे मिला जो है मिस्टर फैयाज, जो आप लोग पहले भी हमारे साथ ब्लॉग में आ चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपने देखा होगा। तो फैयाज यही है, और फैयाज बोलिए कैसा खाना बन सकता है फैयाज, आज क्या बना रहे हो हम लोगों के लिए? बना रहे हैं मटन, मटन बिरयानी, बिरयानी मत बोलो, बिरयानी नहीं बन रहा था, बिरयानी बन रहा है ना, बिरयानी बनेगा ना, बिरयानी बन रहा, बिरयानी तो बिरयानी बन रहा है, लोबा नहीं, कोई पता नहीं है क्या बन रहा है, क्या बन रहा है भाई, बालमची बालमची भाई, कंफ्यूजन हो रहा, बोलिए ये हम है, ये हमारे गांव का टीम है, हां टीम के साथ बंदा हम बोलेंगे, हां बोलो, ये हम है, ये हमारे राजा भैया है, ये हमारे दोस्त है, पार्टी हो रही है, हम पहले बोल दे छियो पार्टी में जो पैसा नहीं दे तो उसाइड रखो बच्चे, हम तो दे देलियो रे। तो गाइस अभी बनने में काफ़ी टाइम है, तो अभी मैं अपनी गाछी में ही हूँ और चारों साइड घूम रहा हूँ, सोचा मैं आप बच्चे लोग को दिखाऊँ, यहाँ पे बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप देख सकते हैं पीछे सारे बच्चे हैं, अब तो यहाँ पे बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यही पीछे साइड आप देख रहे हैं, पीछे साइड हम लोग का पिकनिक चल रही है, यहाँ पे बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैं भी हूँ, और अभी टाइम है, काफ़ी टाइम लगने वाला है यहाँ पे, इसलिए मस्ती कर रहे हैं हम लोग भी, हम लोग को अब काफ़ी भूख लग चुका है, लेकिन अभी बनने में टाइम है, सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, और देख मज़ा अच्छी मटन है बे, चिकन ही याद आ रहा है, चिकन तो याद आएगा ना, खाते चिकन ही याद है ना, इसलिए चिकन याद आता है, मटन तो कभी कभी होता है, अब दिख रहा है। तो फाइनली गाइस अब इंतजार की घड़ी खत्म हुई, और जिसके लिए इतनी देर से हम इंतजार कर रहे थे वो इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है, और एक्चुअली आज बिरयानी का प्लान था, लेकिन बिरयानी का प्लान कैंसिल हो के, और हम लोगों का आज बन चुका है पुलाव और मटन, दोनों अलग अलग है, पुलाव अलग है, मटन अलग है, लेकिन बिरयानी का प्लान था, लेकिन वो लास्ट टाइम में वो कैंसिल कर दिया गया, और फाइनली पुलाव और मटन बन के तैयार हो चुका है, तो मैं आपको आप दिखाता हूँ कैमरा बैक करके, पुलाव जो आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है, और खाने के बाद मैं बताऊंगा इसका टेस्ट कैसा है, सब लोगों से पूछा जाएगा, फिलहाल देखने में काफ़ी लजीज नज़र आ रहा है, तो खाने को गाइस ये रहा मटन और ये रहा पुलाव, तो बंद कर भाई इसमें से। फाइनली अब हम लोग खाने वाले हैं, सब लोग बैठ चुके हैं एक लाइन से, और एक लाइन से सब लोग बैठे हुए हैं, और सलाद में अभी नमक का नींबू डाला जा रहा है, लोग बैठ चुके हैं अपने सामने पर एक प्लेट लेके, और सब लोग आप देख पा रहे हैं कि सब लोग जो 10-12 लोग हैं सब लोग इंतजार कर रहे हैं, सभी के पेट में चूहा को दुख रहा है, और हम लोग सबर कर रहे थे करीब 3 घंटे से, अब सबर का फल मिलने वाला है, तो फाइनली गाइस अब हम लोग खाना स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ लोगों को अपने दोस्तों को कि कैसे सब लोग यहाँ देख पा रहे हैं, पीछे सब लोग बैठे हुए हैं एक साथ, तो मैं कैमरा बैक करके दिखाता हूँ सब। अरे सदाम को नहीं पड़ते, यहाँ पर
दे ना उसको, जो हड्डी पसंद है उसको हड्डी दे दे। तो ये रहा खाना खा रहे हैं सब लोग, चलो हो। तो फाइनली हम लोगों ने खा पी लिया और काफी खाया, जबरदस्त खाया, खा पी गए सब लोग, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। और चलिए सब लोगों से जानते हैं उन लोगों को कैसा लगा खाना, ताकि मैंने तो बहुत दबा के खाया है और बाकी लोग बहुत भी अच्छा लगा, मेरा मन भर गया, बहुत टेस्टी था, मन भर गया बहुत ज्यादा। बाकी लोग बताओ भाई कैसा लगा आप लोगों को, बोले तो जक्का, बोले तो जबरदस्त। मैं बहुत खुश हुआ आप आए, हम लोग का मनोरंजन बढ़ाए, खाना वगैरह सब बना, आप उसमें सहमत थे, बहुत अच्छा लगा भी है, हम लोग भी खाए। बोलो फाइनली मेरा फाइनली वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, ऐसे करके दबाएं। तो गाइस आज का वीडियो काफी लंबा हो गया, कोई नहीं, कभी कभी वीडियो लंबा होना चाहिए। एक बार सबका पेट दिखा दीजिए, तो मैं सबका पेट दिखाता हूँ, सबका पेट देखिए, सबका पेट काफी पहले से भर चुका है, और निकाल पेट देखो भाई, सबका पेट देखो, एक लाइफ से 1.5 kg खाने वाला बंदा। ये को यहीं तक रखते हैं गाइस, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। तो गाइस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और जो भी वीडियो में